और अब खबर बलौदा बाजार से है, जहां पर कॉलोनी के भीतर चोरों ने सूने मकान पर धावा बोलकर नकदी और जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। वहीं दूसरे मकान में दरवाजे भी की कुंडी तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास चोरों ने किया है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक परिवार सहित जबलपुर से वापस आए तो ताला टूटा हुआ घर के सामने मिला। घर का सामान पूरा बिखरा हुआ था। अलमारी से 55,000 नकदी सहित सोने के कई जेवर गायब मिले। इसी कॉलोनी में चोरों ने डॉक्टर पैकरा के घर पर भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन चोर असफल रहे। पहले भी यहां चोरी की कई वारदातों को चोर अंजाम दे चुके हैं। छोड़ने गया था घर, तो आज सुबह देखा कि ताला टूटा हुआ। अंदर जाकर देखा तो नीचे का लगभग करीब 50-55,000 था। उसको कोई अज्ञात चोर सामने दरवाजा तोड़ ताला तोड़कर चोरी कर ले गए हैं। ऊपर का जो सोना चाबी था वो सुरक्षित होता है। अभी तो पूरा कैश देखो, भी 50-55,000 का कैश वो तो नहीं मिल रहा है, और छोटा मोटा सोने का आइटम भी हो सकता है इसमें, तो वो अभी और चेक करना पड़ेगा। साहब लोग आए जो पुलिस वाले, तो उनके साथ में देखते हैं। तो जैसे ही कट किया दरवाजा खुल गया, मेरे को लगा कि मतलब ताला टूटा हुआ है, तो फिर एक और दरवाजा जो डबल दरवाजा है उसको लगा करके कुछ देर तक मतलब देखा इधर उधर कहीं कोई है ऐसा करके, तो कुछ भी मतलब नहीं दिखा। तो मुझे मतलब आभास हुआ, डर महसूस हुआ कि ताला टूटा हुआ है। ये सारा कुछ वारदात यहाँ पे शराब भट्टी होने की वजह से और चकना सेंटर जो यहाँ से वहाँ तक जो खुले हुए उसकी वजह से यहाँ पे अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और हम कॉलोनी वासी नगर वासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।